ऐसी दुआ मौला अली से मंसूब है। मौला ने कहा कि अगर किसी की दुनिया और आखिरत खतरे में हो, दुनिया खतरे में का मतलब बिजनेस सही नहीं चल रहा है, इज्जत पे बात आ रही है, औलाद दूर चली जा रही है, ये खतरे की निशानियां हैं ना, भाई दुश्मन हो गए हैं, मियाँ बीवी में नहीं बनता है, क्या ऐसे हालात आ जाए, या आखिरत की परेशानी, मतलब नमाज में दिल नहीं लग रहा है, रोज़ा रखने दिल नहीं लग रहा है, हज पे जाने दिल नहीं चाहता, ज़ियारतों पे जाने दिल नहीं चाहता, अल्लाह ने दिया है लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। कहा कि दुनिया और आखिरत की परेशानियों से बचना हो और चाहता ये हो कि कयामत में जब सब प्यासे हों तो वो सैराब उठे, सब पैदल हों तो उसके लिए सवारी का इंतज़ाम हो जाए, उसका चेहरा नूरानी हो जाए, तो वो ये दुआ पढ़े, वो है दुआए यस्तशीर। हर किताब में मिल जाएगी आपको दुआए यस्तशीर, इसको ज़रूर पढ़ा कीजिए, खासकर कर्ज़दारी के लिए। लोग मकरूज़ हो जाते हैं, लाख चाहते हैं कि कर्ज़दारियाँ जो है ना दूर हो, लेकिन हो नहीं पाती, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, बड़े परेशान रहते हैं, उनके लिए खासकर दुआए यस्तशीर ये पढ़िए, आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाएगी, सेहत अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह, आमदनी में बरकत हो जाएगी, पैसे में बरकत हो जाएगी, लेकिन साथ में अकीदे का होना ज़रूरी है, अकीदे का होना ज़रूरी है।